स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम गड्ढे में सिस्टम ने। कुछ तस्वीरें देखी आपने, ये वानगी भर है क्योंकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें इस तरह के गड्ढों से मिल सकती हैं क्योंकि आजकल बारिश है, मॉनसून आया हुआ है, इंतजार किया जाता है मॉनसून का, लेकिन हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है, सड़कों में इस कदर गड्ढे हैं कि इस तरह के हादसे भी हो जाया करते हैं। ये हमारा कॉलर शो है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। देश भर में सड़कों में खुले सीवर के गड्ढे, मेन हॉल कई हादसों की वजह कई बार बनते हैं। सड़कों पर खुले सीवर और मेन हॉल मुसीबत का सबब बने हुए हैं, कई बार इस वजह से बड़े हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन सिविक एजेंसीज ने इन्हें ढकने या फिर कोई और दूसरा उपाय कर लिया जाए इसकी जहमत तक नहीं उठाई। दिल्ली से सटा हुआ है फरीदाबाद और मुसीबत का सबब ऐसा गड्ढा वहां पर है जिसकी आप तस्वीरें अभी देख रहे थे। रोजाना हादसे के शिकार हो रहे हैं लोग, जान पर बन रही है लोगों के, लेकिन बावजूद उसके गड्ढे भरे तो भरे कौन, सड़क पर बारिश का पानी और नीचे सीवर का खुला हुआ गड्ढा। सवाल यह है कि इन सारी दिक्कतों को जानते हुए भी प्रशासन इतना लापरवाह क्यों बना रहता है? ऐसी घटनाओं से आप भी दो चार या तो हुए होंगे या आपके अपने हुए होंगे या आपने जरूर ऐसी तस्वीरें अपनी आंखों के सामने देखी होंगी, तो आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, हम नंबर अपना लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और न्यूज वर्ल्ड इंडिया जो सवाल उठा रहा है वो ये कि जानलेवा गड्ढों पर लापरवाही क्यों, इस पर आप अपनी राय दें, कॉल करें 01204990018 और 01204990019। इन दोनों फोन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं, अपनी राय आप हम तक जाहिर कर सकते हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीच सड़क पर ऐसे गड्ढे क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देते हैं? क्या अधिकारी लोगों की जान की कीमत नहीं समझते? हरियाणा की खट्टर सरकार क्या जन समस्याओं से अनजान है? इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? और हरियाणा में प्रशासन लोगों की सलामती और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर कितना सचेत है, इसका नमूना फरीदाबाद से इस खास रिपोर्ट में देखिए। बाइक वाला, एक और बाइक वाला, फिर से ऑटो वाला, फिर से बाइक वाला, साइकिल वाला, एक और साइकिल वाला, बाइक वाला, एक और ऑटो वाला। ये तो वो तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी कैमरे में 2 घंटे के अंदर कैद हुई हैं। जो भी यहां से गुजरा वो शिकार बना। ये देश के किसी दूर दराज के कस्बे की तस्वीर नहीं है, ये NCR का इलाका है, इसे फरीदाबाद कहते हैं। हरियाणा का दिल्ली से जुड़ा हुआ शहर फरीदाबाद, जहां बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर का शासन चलता है। ये फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर ऐतिहासिक सराय ख्वाजा के बाजार की सड़क है। कोई परिवार के साथ गिरा तो किसी के नवजात बच्चे की जान पर ही बनाई। ये पिछले 5-7 दिन से सीवर लाइन ब्लॉक हुई पड़ी है, जिसके कारण ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है। काफ़ी बार शिकायत करी है, मशीन भी आई है, लेकिन फाल्टी ऐसा पता नहीं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्या चक्कर है। दोनों तीन तीन बार मशीन आ गई है और कोई अभी कामयाबी नहीं मिली। ये तस्वीरें नमूना है कि सरकारें कैसे चलती हैं और कैसे चलता है उनका पूरा सिस्टम। प्रशासनिक अमले की कार्यशैली में लगी जंग का नमूना है ये सब कुछ। इधर JCB आके गड्ढा खोद रही चली गई, ये डेली की डेली 2-3 गाड़ियाँ उसमें गिर जाती हैं, किसी न किसी को चोट लग जाती है। बारिश के टाइम में ओवरफ्लो हो जाता है, मोस्टली किसी न किसी को चोटें लगी जाती हैं। और हॉस्पिटल के आगे इतना कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि जी हॉस्पिटल है, अभी बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो कोई सुनवाई कुछ भी नहीं है। स्थानीय लोगों ने आखिरकार अपनी तरफ से जुगाड़ किया, गड्ढे के ऊपर चौकी रख दी।
लेकिन दिक्कत ये है कि समस्या यहाँ काफी समय से है। बरसात से पहले भी यहाँ गड्ढा मौजूद था, यानी तय था कि जब यहाँ बारिश का पानी भरेगा तो क्या कुछ होने वाला है, लेकिन किसी ने इसकी खबर नहीं ली और अब जो कुछ हो रहा है वो सामने है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, फरीदाबाद। तो ये है स्थिति गड्ढों की फरीदाबाद में। साजिद हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं, एक दर्शक हमारे। क्या राय है आपकी इस तरह के गड्ढों को लेकर साजिद जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा कि न्यूज वर्ल्ड ने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। जबकि आज की मीडिया के पास जैसे मुद्दे उठाने का टाइम ही नहीं है, मीडिया कहाँ है। और देखिए, मैं कहूंगा आपको कि जिस तरह से यूपी के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उनका साफ तौर पर कहना था कि 15 अगस्त तक यूपी गड्ढा मुक्त होगी। जबकि बुलंदशहर में कई ऐसी जगह है, बड़े गड्ढे हैं जिनमें आए दिन कुछ ना कुछ हाथा हाथ होता है उन गड्ढों के चलते, लेकिन प्रशासन का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया साजिद, आप जुड़े हमारे साथ। और ये तो हम भी कह रहे हैं कि ये फरीदाबाद नहीं है केवल, मॉनसून में जहां तहां आप जाइएगा पानी भरा हुआ, और उस पानी के नीचे इस तरह के गड्ढे मिल जाएंगे जो हादसों का कारण बन सकते हैं। यूपी से एक और दर्शक भीष्म सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैं यूपी के उत्तर प्रदेश अमरोहा से बोल रहा हूँ। जी मेरा गांव पड़ता है लकड़हैट। हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं हम, बताइए। जी गांव लकड़हैट पड़ता है, मेन रास्ते पे ही बहुत घर है, बहुत गड्ढे हैं। और ये मेन रास्ता है, स्कूल की जितनी भी गाड़ी आती है, बच्चों की सारी गाड़ी फंसती है। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी में से तर के धक्का मारते हैं गारे में। जी बहुत घर है, जहाँ तक की प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं गाँव वाले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीरा पानी भर जाता है। आस पास के अगले 3 गांवों को भी यही रास्ता है, मेन रास्ता है। जी सारे मेन रास्ता है, लेकिन बावजूद उसके गड्ढों से पटा पड़ा। बहुत शुक्रिया भीष्म सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ। और दो कॉलर हमारे साथ जो जुड़े, हमारे दर्शक, वो दोनों यूपी से जुड़े। और यूपी में ये कहा गया कि सरकार जैसे ही नई आई कि 15 दिन के भीतर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन फिर 15 दिन की जो मियाद है वो और आगे बढ़ाई गई, क्योंकि 15 दिनों में बहुत बड़ा राज्य है, नहीं हो सकता है, ये हवाला दिया। जम्मू से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, कल्पना, स्वागत है कल्पना जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाढ़ हर वर्ष आती है और अपनी विनाश लीला दिखाती है। हमारी कंट्री में प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं है जी, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इतने फंड्स हमारी असेंबली में मुहैया किए जाते हैं सड़कों के लिए, अस्पतालों के लिए, लेकिन ये फंड्स कहाँ जाते हैं? क्यों हमारे प्रशासन का फेलियर है? हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि इतने साल हमें आजादी को हुए हैं, हमारी सड़कें सुरक्षित क्यों नहीं हैं? जी जी बहुत शुक्रिया कल्पना, आप जुड़ी। और बहुत ही सही सवाल भी आपने उठाया कि टाउन प्लानिंग नाम की क्या कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम ये अक्सर देखते हैं मॉनसून जब जब आता है तब तब सड़कों पर गड्ढे और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जो सड़कों को बनाने के लिए जिस निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वो ठीक नहीं होती है। जो मेन होल्स होते हैं उनके अगर ढक्कन खुल गए तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि उनको कब ढका जाएगा? तमाम शिकायतों के बाद लगातार बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी गड्ढों को भरा नहीं जाता है। जो तस्वीरें फरीदाबाद की हम दिखा रहे हैं वो भी एक वानगी भर है। वहां पर किसी तरह का कोई साइन बोर्ड तक नहीं लगाया गया कि यहां पर खतरनाक गड्ढा है, आपको नुकसान हो सकता है। बस जो आ रहा है तो वो समझ पा रहा है गड्ढे में गिर कर कि हाँ यहाँ पर गड्ढा है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं हरियाणा से, चंद्र प्रकाश, स्वागत है सर, बताइए। हाँ मीनाक्षी जी, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ, चंद्र प्रकाश जी नमस्ते सर। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ड्रेनेज सिस्टम पर जो आपने ये आज दिखा रहे हैं, आप सड़क में क्या गड्ढा है, पता नहीं गड्ढे में सड़क है, ये तो अल्लाह ही जाने। मगर मैं एक बात आपसे मीनाक्षी जी बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि 8 सितंबर से ड्रेनेज सिस्टम के लिए स्वच्छ भारत के तहत जो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से मुझे चिट्ठी मिली, मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यालय से चिट्ठी मिल गई मुझे, मगर यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो शासन में काम कर रहे हैं, वो गौर नहीं कर रहे। 14 तारीख को मैं मिल के आया,
आरटीआई लगाई, उसके बावजूद भी ना तो हमारे यहाँ स्वच्छ नालियां प्रोवाइड करवाई जा रही है और ना ही सड़क का कोई रिपेयर कार्य हो रहा है। और 21 तारीख को फिर मुझे बुलाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब ये सारी कार्रवाई हो रही है तो हम ग्रामीण वासी है, मैं खेड़ी मारकंडा जो बस स्टैंड के सामने है वहाँ से बोल रहा हूँ। जी जी जी, हमें न्याय नहीं मिल रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं सर आपकी आवाज जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से, और हमारा मकसद भी यही है इस तरह के शोज करने का, ताकि आम जनता अपनी राय हम तक रख सके और उसके जो राय है, उसके जो सवाल है, वो प्रशासन तक, तंत्र तक वो हम पहुंचा पाए हमारे जरिए। बहुत शुक्रिया सर आप जुड़े हमारे साथ। अलीगढ़ से एक और दर्शक साहिर है हमारे साथ, स्वागत है साहिर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ तौर से एक बार जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह की गवर्नमेंट सपने दिखाती है देश को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए, लेकिन सपने रह जाते, हकीकत में कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे तो पूरे जो गड्ढे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि देश के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड बनाने के लिए कितना कितना पैसा आता है और वो कहाँ जाता है, ये कोई सवाल करें तो उस पर जवाब नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पर एक आरटीआई डाली थी और पूछने की कोशिश करी थी जो ईओ है और बाकी लोग हैं पालिका के, कि भाई ये जिस तरह से गड्ढे हो रहे हैं और आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई घटना हो जाती है, जो बच्चा यहाँ पर गिर गया था और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर होती रहती है, तो क्या आप लोगों को बनाएंगे? ये देश के लिए इतना पैसा निकलता है सड़कों के लिए जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसको ये देखना चाहिए, लेकिन हवाला दे दिया जाता है कि अभी तो मानसून है, बारिश है, एक तरीके से प्रकृति है, हम इस प्राकृतिक चीजें जो हो रही हैं, जो बारिश अब इतनी हो रही है, इतना पानी पड़ रहा है, पहले नहीं इतनी बारिश हुई थी, बीते 5 दिन में इतने मिलीमीटर बारिश हो गई है, ये तमाम ऐसे एक्सक्यूज हैं जो कि दे दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, तंत्र की तरफ से। एक और दर्शक है हमारे साथ, जी बताइए सर। सर मैडम, ये यूपी से बनारस से मुगलसराय है, वहाँ से बोल रहे हैं हम। जी बताइए। हाँ, योगी राज में ये 15 दिन में गड्ढा मुक्त होने वाला था और अभी तक नहीं हुआ, बारिश से काफी लोग परेशान हैं। और कहीं कहीं गड्ढा था तो वहाँ पर माटी गिरा दी, ये बोले योगी का आदेश है। सिर्फ मिट्टी गिराई? हाँ, मिट्टी गिराई और गड्ढे को और भी कचड़ा कर दिया गया। जी शुक्रिया बहुत आपका, आप जुड़े हमारे साथ और बताया हमको आपने। देखिए यूपी में दरअसल स्थिति क्या हुई थी, जैसे ही सरकार बदली थी कहा यह गया था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, और इसी वजह से ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये हरियाणा के फरीदाबाद की हैं। सरकार वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की है। फर्क इतना है, जो हरियाणा की सरकार है उसको थोड़ा वक्त हो गया है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो नई है। दावा दोनों की तरफ से किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गड्ढों को भरा जाएगा, जो साफ सफाई है वो रखी जाएगी, लेकिन साफ सफाई का क्या आलम है? मेन होल का अगर ढक्कन खुला हुआ है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्वच्छता के नाम पर फिर हो क्या रहा है, वो भी जबकि फरीदाबाद स्मार्ट सिटीज में शामिल है। ये स्मार्ट सिटीज का हाल है, गांव देहात की बात आप भूल जाइए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर बताइए राय रखिए अपने, टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। हेलो। जी जी सर, टीवी का वॉल्यूम करके कम प्लीज अपनी बात रख दीजिए। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम है मैडम। नमस्ते मैडम, मैं यही बोलना चाहता था कि करप्शन का आलम यह है कि जितने भी नगर निगम है, चाहे बीएमसी हो चाहे कोई भी। हेलो जी, सुन रहे हैं हम आपको। जी मैडम, इतने करप्शन है, अगर जो छोटा सा एक मोदी जी ने जो एक प्रोग्राम निकाला था कैशलेस स्कीम, इससे इन सब ठेकेदार लोगों को जो ये सड़क निर्माण चाहे जो भी चीज में इन्वॉल्व है, इससे अगर जो इन लोगों का पूरा सिस्टम को लागू किया जाए तो बहुत सारे इसमें सुधार हो सकते हैं मैडम। जी जी शुक्रिया सर आपने।
सुझाव रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कैशलेस स्कीम अगर लागू हो तो, क्योंकि इसमें शायद जो बीच में अगर कुछ लोग हैं जो कि पैसा खाते हैं, शायद उससे जुड़ा हुआ इनका मसला रहा होगा और उसी को लेकर ये राय रख रहे हैं कि कैशलेस हो, तो जो लोग काम कर रहे हैं जब सीधा पैसा जाएगा तो उस पैसे को लेकर सवाल भी पूछ लिया जाएगा कि आपको इतना पैसा अलॉट किया गया था तो ये काम क्यों नहीं हुआ। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और लगातार हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ भी रहे हैं, अपनी राय हम तक जाहिर कर रहे हैं। और ये देखिए लगातार बार बार आसपास में दुकानें हैं, बाजार है, एन बीच में गड्ढा भी है। लोग आ रहे हैं, पानी भरा हुआ है, नहीं नजर आ रहा है कि सामने गड्ढा है। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई ऐसा निशान नहीं कि जो ये बताए कि यहां पर खतरा हो सकता है, आपकी जिंदगी पर यह भारी पड़ सकता है। लेकिन बावजूद उसके लोग जब आते हैं और जब खुद गड्ढे में फंस जाते हैं तभी रियलाइज करते हैं कि हाँ यहां पर गड्ढा है। पवन एक और दर्शक हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हैं, स्वागत है पवन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम ये हमारे ग्राम प्रभाप ग्रहता बिछौरा में मैडम कई सालों से यहाँ पे जो भी है कार्रवाई सरकार की तरफ से ये भी सुविधा है, समझो वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या अदरवाइज जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से मिलने वाली, इस गांव में आज तक कभी ऐसा कुछ मिला नहीं। और आज तक गांव में जाएंगे हमारे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी थी 3-4 साल पहले, वो जैसे की पैसी पड़ी है उसमें खड्डे बड़े बड़े लोग, वहाँ हमारा इलाका थोड़ा सिटी से दूर है जी, जी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है उधर, खासकर बारिश मैडम बड़े बड़े गड्ढे पानी भरे हुए होते हैं उसमें, रात में अभी इमरजेंसी केसेस में रात में आदमी सिस्टम में हॉस्पिटल जाता है तो अपने इलाहाबाद तक, इलाहाबाद जाने के लिए कम 35 किलोमीटर, तो वहाँ इतना सफर तय करना पड़ता है रात के अंधेरे में जी। ये सब समस्याएं हैं सर, मैडम इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार। बहुत शुक्रिया सर आप जुड़े हमारे साथ और उम्मीद करते हैं कि सरकार प्रशासन आपकी बात सुने कि दरअसल देखिए क्या है स्थिति, 30-35 किलोमीटर जाने के लिए किस तरीके से मुसीबतों से दो चार होकर गुजरना पड़ता है। राजीव एक और दर्शक भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है राजीव जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम नमस्ते जी। नमस्ते मैडम, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि चलिए नगर निगम की और वहाँ के लोगों की, वहाँ के कर्मचारियों की गलती से तो ये हुआ, लेकिन वहाँ पे जो प्रेजेंट लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी या वहाँ पे जो दुकान है उनको वहाँ पे वो देख रहे हैं, मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं और 8-10 लोग एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, तो क्या उनकी कुछ नैतिकता होती है कि नहीं कि वहाँ पे वो खड़ा हो जाएं या ट्रैफिक पुलिस को बोले या कुछ ऐसा लाल झंडा लगाएं, बच्चे गिर रहे हैं, वहाँ के लोगों की कैसी नैतिकता है ये देखने की बात है। ठीक है, आप स्थानीय लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बहुत शुक्रिया राजीव जी। और बीच बीच में अगर तस्वीरें आपने और गौर से देखी हो तो जिन लोगों की दुकानें हैं वो जब तक बोलते हैं या इशारा करते हैं कि इधर से मत आइए तब तक वो हादसा हो चुका होता है, जो गड्ढा है वो निशाना अपना जो भी बाइक पर या ऑटो में लोग आ रहे हैं उनको बना चुका होता है। लेकिन सवाल यही है कि प्रशासन और तंत्र, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, स्थानीय पार्षद वो क्या कर रहे हैं? लोगों के ऊपर तो सवाल उठा दिया जा सकता है कि उनका भी एक तरीके से शहर है, उनको भी सजग होना चाहिए, लेकिन अगर लोग बाकी डिपार्टमेंट के काम भी करने लगेंगे तो अपना काम उनका अगर छूट जाएगा, शायद हो सकता है कि इस वजह से उनकी तरफ से ये पहल ना की गई हो। जयंत सिंह एक और दर्शक पटियाला से जुड़े हमारे साथ, स्वागत है सर, बताइए। नमस्कार जी, मीनाक्षी जी। जी नमस्ते। मैं ये कहना चाहता था भी पुराना जमाना होता था तो कोई हेरा फेरी करता था, भ्रष्टाचारी करता था, उनके हाथ पैर काट के तकड़ी सजा दी जाती थी उनको। बट अभी आजकल तो इतना पैसा आ रहा है, सब बुरा हाल है सड़कों का भी, फरवरी से पहले रोड़ा डाल गए, मिट्टी डाल गए, फरवरी में मिक्सचर डाल देंगे तारकोल, तो नई सरकार आ गई 5 महीने से बारिश आती कीचड़ हो जाता है, खड्डे खुले पड़े हैं यहाँ पे, सारा उनका ओवरफ्लो के प्लाटों में भर जाता है नजदीक जी, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा इसकी तरफ, पता नहीं कहाँ पैसा जा रहा है क्या हो रहा है। जी जी बहुत शुक्रिया सर आप जुड़े हमारे साथ। तो पंजाब में कांग्रेस की नई सरकार बनी है, परेशानी वहां पर भी यही है कि कहाँ पैसा जा रहा है, लोगों के मन में सवाल यही है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि बाकायदा एक बड़ा बजट एलोकेट होता है सड़क अच्छी रहे, क्योंकि सड़कें जो है कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा जरिया है।
हर चीज के लिए सड़क की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आने जाने के लिए नहीं, आपको व्यापार करना है, आपके सामान के लिए सड़क चाहिए, आपको दूसरे शहर में जाकर अगर कोई काम है तो आपको सड़क चाहिए, अगर आप किस सिलसिले में जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सड़क चाहिए, आने जाने अपने वाहनों के लिए, हर चीज के लिए जरूरत है। बेसिक चीजों में बिजली, सड़क, पानी आता है, लेकिन सड़क की स्थिति क्या है वो आपके सामने तस्वीरों में है। स्मार्ट सिटीज के नाम पर संख्या बढ़ाई जा रही है शहरों की सरकार की तरफ से, ये सपना दिखाया जा रहा है कि आपके जो शहर हैं वो स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट सिटी में होना क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, यहां तो बेसिक चीजें नहीं है। अगर सड़कों में इस कदर गड्ढे हैं तो शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए, एक के बाद एक वाहन आ रहे हैं, फंस जा रहे हैं, खासतौर से दुपहिया अगर है, साइकिल है या मोटरसाइकिल है तो और ज्यादा बड़ी समस्या है। गाड़ी थोड़ा डिसबैलेंस होकर रह सकती है लेकिन दुपहिया वाहन गिर सकता है, नीचे पानी है, किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। ये जो लोग खड़े हैं स्थानीय, वो कोशिश करते हैं, बताते हैं कि देखिए गड्ढा है यहाँ पर, ये जो सातवीं तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन जब तक वो बताते हैं संभले कोई तब तक झटका लग चुका होता है। तो मुसीबत में जान है उन लोगों की जिनको की रोजमर्रा के लिए अपना आना जाना पड़ता है और इसी सड़क का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, और ये समस्या तो उनके सामने है जो स्थानीय है। अगर कोई नया व्यक्ति जाए तो उसे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी। स्थानीय है, हो सकता है इतना पता हो कि यहाँ से कैसा रास्ता है, लेकिन अब गड्ढे किस कदर हो गए हैं ये देखिए। ऑटो में जो बैठी सवारियां हैं वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल के भीतर तक रख पाती हैं, वरना गिर सकती हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। ये बाइक पर जो शख्स है इसके साथ, ये साइकिल वाले को देखिए, आराम से बेचारा आ रहा है लेकिन नहीं जानता है कि आगे गड्ढा है। और ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी दसियों, बीसियों, पचासों तस्वीरें आपको सिर्फ फरीदाबाद भर में मिल जाएंगी। जहां आप रहते हैं, जितने भी हमारे दर्शक जुड़े, आसपास की जो स्थिति है वही उन्होंने बताई है, कहीं और का हालचाल नहीं बताया है। आप निकलिए, 5 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे तो 5 गड्ढे भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब स्थानीय जो लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं सड़क का, उनको जब समझ में आता है कि यहाँ पर गड्ढे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, तो अधिकारी और सरकार क्या इस बात को नहीं देखते हैं कि किसको कितना पैसा दिया गया था, किस सड़क के लिए हमने क्या अलॉट किया था, क्या वहां पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, और वो भी उस वक्त पर जबकि बारिश है, मॉनसून आया हुआ है, नहीं पता है कि कितनी बारिश हो जाएगी और पानी भर जाएगा। और पानी सिर्फ और सिर्फ बारिश का नहीं, इधर उधर के नदी नाले और ओवरफ्लो हो गए तो वो पानी भी आ जाएगा, नहीं आएगा समझ में कि कितना पानी है, नीचे पानी के क्या है। आजमगढ़ से एक और दर्शक विजय आनंद हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है विजय आनंद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट को कॉल करता हूँ, जिसमें इलाहाबाद से बनारस की रोड वन वे कर दी गई है। जो बसें इलाहाबाद जौनपुर की तरफ जाती है सब सासों से जाती है, ये फाफामुख हो गए, सासों से फाफामुख पूरी रोड टूट गई है, पूरा पानी भरा हुआ, पूरा गड्ढा, मेन रोड है ये, मेन रोड टूटी हुई है और बड़ी दिक्कत होती है पठाने, आए दिन वहाँ बस पलटी होती है, गाड़ियाँ पलटी होती है, मोटरसाइकिल। योगी जी कह रहे थे कि गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरे यूपी को, आप तो कह रहे हैं सड़क ही टूटी हुई है, पूरी रोड टूटी हुई है, उसका आप जब दिखाए प्रतिमा ने इलाहाबाद में सासों से लगाया फाफा, वो मेन रोड है ये, जितनी बसें जौनपुर से आती है, चाहे बनारस आती है, चाहे भदोही से आती है, सभी बस गोरखपुर से आए मरते मऊ की बलिया की सभी बस इलाहाबाद जाने वाली सभी बस मोड़ दी गई है, क्योंकि सावन का महीना पूरा एक महीना रहता है ये, और पूरी ये वन वे रोड है बनारस से इलाहाबाद, इसलिए झूसी और कोई बस नहीं जाती, सोचिए इतनी दिक्कत होती है। हम लोग बराबर सफर करते हैं, चूंकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद मुकाल करता हूँ मैं, तो बड़ी समस्या होती है हमको जाने में, और अब बस बस पूरा मतलब पब्लिक परेशान होती है। मेरा टीवी नाम विजयानंद मौर्य, विजयानंद मौर्य। जी जी जी, बहुत शुक्रिया विजय आनंद मौर्य जी, आप जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद आपका। और दरअसल देखिए बता रहे हैं कि एक रोड है और वो भी टूटी हुई है, गड्ढे नहीं है उसमें, सड़क ही टूटी हुई है, ये हालात हैं, जबकि कहा जा रहा था कि गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, चकाचक सड़कें दे दी जाएंगी। अशोक एक और दर्शक हमारे साथ दिल्ली संगम विहार से जुड़े हैं, स्वागत है सर, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम हमारे यहाँ पे जी नमस्कार जी नमस्ते मैडम, हमारे यहाँ संगम जा रहे हैं, दोनों तरफ जो रास्ता है दोनों तरफ परमानेंट पानी भरा रहता है, और इधर जो बच्चा रोड पे हमेशा आदमी गिरते रहते हैं, पानी निकलने कोई निकाल नहीं, बहुत बड़ी कॉलोनी है और बड़ी समस्या है यहाँ जी। धन्यवाद सर आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो ये राजधानी दिल्ली का भी हाल कोई बहुत बेहतर है नहीं,
इसी तरह की स्थिति है, वहां पर भी सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों से लोग दो चार होते हुए जैसे तैसे, क्योंकि काम रुकता नहीं है, काम रोका नहीं जाता है और इसी तरीके से लोग गुजरते हैं। जानते हैं कि प्रशासन की लापरवाही है लेकिन कोई और विकल्प भी उनके सामने नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या बारिशों के बाद भी स्थिति यही रहती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं मानसून में वाटर लॉगिंग की समस्या, बेकार ड्रेनेज सिस्टम, यह हर बार की समस्या रहती है। बारिशों के बाद पानी उतर जाता है, कुछ चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं, कुछ ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाता है, लेकिन रूट कॉज में जाकर बेहतरीन सुविधाएं कैसे दी जाएं लोगों को, इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए गड्ढे में पूरा का पूरा सिस्टम ही चला जाता है। वक्त एक ब्रेक का है, यहां पर रुक रहे हैं हम और लौटेंगे तो खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।